खबर अलीगढ़ से है, जहां राशिद अलवी का विवादित बयान। राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने की तल्ख टिप्पणी। राशिद अलवी सुपर्णखा के खानदान से हैं, राक्षसों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। राशिद अलवी ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा व्यक्ति धर्म और धर्म को क्यों जाने। जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बताने वाला व्यक्ति खुद राक्षस है। श्रीमान राशिद अलवी स्वयं राक्षस वंशज में पैदा हुए हैं, क्योंकि दैत्य के वंशज हैं ये लोग। मैं पहले ही कह चुका हूं कि गॉड के बाप का नाम बताओ, अल्लाह के बाप का नाम बताओ, यानी ये सारे पंथ हैं। सनातन धर्म एक ही है, विश्व में 1,96,00,000 साल पुराना हमारा इतिहास है। ये तो 1450 साल पहले आ गए, 2200 साल पहले आ गए। इसलिए राशिद अलवी जी ने जो कहा है, वो स्वयं सुपर्णखा की औलाद हैं और वो राक्षस वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए स्वयं राक्षस होता है, क्योंकि ये चील से, कौआ से, सांप से, बिच्छू से लेके सबको खाते हैं, वही राक्षस कहलाते हैं। हम लोग तो सात्विक भोजन करते हैं और सात्विक भोजन करने वाले राम के वंशज हैं, और राम के वंशज कभी राक्षस नहीं हो सकते। लेकिन ये जो नए पंथ जो बने हैं, ये कट्टरवादी सोच के हैं, ये बेईमान हैं अपने आप, क्योंकि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनकी निष्ठा नहीं है। ना तो धर्म के प्रति निष्ठा है और ना समाज के प्रति निष्ठा है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए राशिद अलवी को मैं तो ये कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को अविलंब जेल में डाल दिया जाए, जो कि हिंदू समाज को इस टाइप का संदेश जो दे